हाय गाइस, इट इज शहजाद अहमद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 45। आज हम टेस्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं कि हम उनसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इन जेक्यूरी। एंड हम आज थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन एंड एचटीएमएल का फंक्शन इन जेक्यूरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं इस फंक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है एक बटन चाहिए। ठीक है, टाइप हम उसकी बटन रखते हैं बिकॉज वो है ही बटन। ठीक है, हम आईडी उसकी रखते हैं फॉर इंस्टेंस क्लिक। ठीक है, एंड हम उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं कि वो फॉर इंस्टेंस टेक्स्ट। ठीक है, या हम सबमिट करते हैं। ठीक है, एंड हम एक डिव बनाते हैं। डिव को हम आईडी असाइन करते हैं बिकॉज हम सिलेक्टर बनाने जा रहे हैं। डिव को हम आईडी असाइन करते हैं फीडबैक। ठीक है, हम वापस जाते हैं। मेक श्योर हम एक्सटर्नल जो है स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट डॉट जे एस के नाम से मैंने एक फाइल बनाई हुई है जो मैंने अटैच की हुई है अपनी मेन फाइल में जिसपे हम काम कर रहे हैं एच टी एम एल की एंड स्क्रिप्टिंग डॉट जे एस। ठीक है, फाइल आपके सामने है। हम एक सिलेक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाके रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास बटन जो है वो बन चुका है एंड हमने वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी। अपने हम एक H1 बनाते हैं। ठीक है, H1 बनाते हैं एंड देन H1 हम करते हैं क्लोज एंड हम आईडी बनाते हैं जिसे हम देते हैं हेडिंग। ठीक है, हेडिंग हमने लिखी, हम देते हैं दिस इज अबाउट। हम टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट फंक्शन इन जेक्यूरी। ठीक है, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेडिंग आ चुकी है। हम क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा वैसे तो टैग है एक, लेकिन ये टेक्स्ट जो है हम कॉपी करेंगे, उसे हम फीडबैक के टैब में डाल देंगे या पेस्ट कर देंगे जितना भी ये कंटेंट है हमारा। ठीक है, हम सबसे पहले अपना सिलेक्टर बनाते हैं फॉर जो है हम, आपको पता है कि क्लिक के नाम से हमने बटन को आईडी दी हुई है, दैट्स वाई हम उसे कॉल करवा रहे हैं। जैसे ही क्लिक के क्लिक हमारा आईडी है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की तो नहीं, एंड क्लिक हमारा फंक्शन है। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसे चेंज कर दें। ठीक है, कॉपी कर दें एंड जाके जैसे ही कॉपी पे क्लिक हो, मींस बटन पे क्लिक हो, बिकॉज हम आईडी दे रहे हैं, तो एक फंक्शन हम चलाएंगे। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एंड फॉर इंस्टेंस हम कॉपी के नाम से वेरिएबल बनाते हैं। एंड हम क्या करने जा रहे हैं, जो ये टेक्स्ट है पूरा, ठीक है, ये टेक्स्ट इसे कॉपी करेंगे एंड डिव में हम रख देंगे। ठीक है, हम आपको पता है कि हेडिंग के नाम से हमने अपनी आईडी बनाई हुई है, तो हेडिंग डॉट टेक्स्ट ये ऐसे ही है जैसे आप एचटीएमएल का फंक्शन दे रहे थे। तो वो क्या करेगा, जो हेडिंग है हमारी, हेडिंग का टैग है, ठीक है, उसका टेक्स्ट जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, वो एक वेरिएबल में हम रख रहे हैं उसे संभाल के। एंड देन हम एक सिलेक्टर बना रहे हैं जो हमने फीडबैक के नाम से बनाया था। एंड देन हम एक सेम टेक्स्ट का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं जेक्यूरी का एंड हम सेमी कॉलन देंगे। एंड हम जो वेरिएबल में वैल्यू है, ठीक है, वो वेरिएबल उसे असाइन कर देंगे। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपका H1 का टेक्स्ट है वो कॉपी हो गया, आपके एक डिव में आ चुका है। हम रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि वो कैसे असाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं आपकी डिव फीडबैक की वो एम्प्टी है बिकॉज उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ। आप यहाँ भी देख सकते हैं वो एम्प्टी है। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे डॉट एच टी एम एल लिखते हैं, सॉरी एच टी एम एल लिखते हैं,
ठीक है, तो HTML का कंटेंट हमारा यहाँ रहा है एंड हम आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट कॉपी, तो रिजल्ट तो सेम है हमारा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे HTML करते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि हम टेक्स्ट सेम एज रहने देते हैं, बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो। हम जब HTML एंड टेक्स्ट की बात करते हैं, अब हम रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एक जो है वो टेक्स्ट है, ठीक है, हम टेक्स्ट को भी हटा देते हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही क्लिक हो तो हम थोड़ा सा डिफरेंस देखने जा रहे हैं HTML एंड जो टेक्स्ट का हमारे पास फंक्शन है। ओके, हम आप देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे HTML डिफाइन करते हैं, ठीक है, मीन्स HTML का फंक्शन कॉल करवाते हैं एंड यहाँ पे हम टैग डिफाइन करते हैं एंड टैग को क्लोज करते हैं एंड वेलकम इन jQuery, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फीडबैक की डिब में एक H1 भी आ रहा है एंड आप देख सकते हैं कि एक पूरा H1 हेडिंग हमारी आ रही है, लेकिन जैसे ही आप इसे टेक्स्ट फंक्शन में चेंज करेंगे, HTML को हटा के आप टेक्स्ट देंगे, रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो एज इट इज प्रिंट करवा रहा है, बिकॉज सिंगल कोटेशन में है तो वो इस सारे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है, बिकॉज हमने टेक्स्ट का फंक्शन दिया है। तो यही एक जो है वो डिफरेंस है हमारा टेक्स्ट एंड HTML में। एंड आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपने अभी देखा एंड जो हम टेक्स्ट दे रहे हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओनली टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन H1 के साथ जो स्ट्रिंग है पूरा, लेकिन कोई टैग नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फीडबैक की डिव है एंड यहाँ पे टेक्स्ट है सिर्फ, लेकिन जैसे ही हम इसे HTML करते हैं तो वो पूरा पूरा टैग लेके आएगा आपको एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको टैग वो शो करेगा, बिकॉज ये है ही टैग। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस था HTML का एंड टेक्स्ट फंक्शन का इन jQuery। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा।